हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 29th of July। इसमें हम देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे ऑल 12 जोडियक साइंस क्या फील करते हैं, क्या एनर्जी इंटेंशन रखते हैं टुवर्ड्स एरीज। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 29 जुलाई वाले वीक के लिए। एरीज की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 29 जुलाई वाले वीक के लिए। एरीज की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 29 जुलाई वाले वीक के लिए। एरीज की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज की फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पार्टनर। ओके एरीज, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि द मून फोर फोर ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, किसी का सन साइन या मून साइन हो सकता है, बट समहाउ आप आपकी जो फीलिंग्स है ना उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स लाइक टुवर्ड्स सम सिचुएशन और डूइंग समथिंग अबाउट इट, आई थिंक आप सोच ज्यादा रहे हैं। सोच रहे हैं से मतलब है एक लाइक सपने सजा रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं। आप अपने ड्रीम लैंड में है, ठीक है। सो यू आर जस्ट डे ड्रीमिंग अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन और लाइक अ सिनेरियो और समथिंग, कि जब ऐसा होगा तब मैं ये बोलूंगा या हम ऐसे टाइम स्पेंड करेंगे या ये करेंगे, बट आपका ना बहुत ही सुस्ती दिख रही है मुझे, बहुत लिथार्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जिसमें आपको एक्शन लेना चाहिए, आगे बढ़ के प्रोएक्टिव होना चाहिए टुवर्ड्स योर पार्टनर, मे बी टू कन्विंस देम दैट शायद आप एक सेकेंड चांस हो रहा है। तो यू हैव टू कन्विंस देम कि हाँ ठीक है, आई प्रूव इट टू यू के यू नो लाइक दिस टाइम इट इज गोइंग टू वर्क। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ प्रूविंग इट और टेकिंग सम एक्शन, आप अपने सपनों में हैं। यू आर लाइक हाँ हम दोनों सही हैं एंड हम दोनों आगे टाइम स्पेंड करेंगे अच्छा एंड वील बी लाइक टूगेदर एंड एवरीथिंग, बट सुस्ती है, कोई एक्शन नहीं है, डे ड्रीमिंग है, नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। यू आर जस्ट लाइक दिमाग में अपने। द मून अगेन, मैंने बोला पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई तो इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं अपने पार्टनर के सामने, मे बी, या तो आप कोई उनसे झूठ बोल रहे हैं, किसी तरीके का तो आपने उनसे झूठ बोला है एंड आपको लग रहा है कि वो चीज उनको नहीं पता लगेगी, क्योंकि देखिए ये आपकी फीलिंग है। तो रोल्स रिवर्स तो हो सकते हैं, बट समहाउ मुझे ये आपकी फीलिंग लग रही है कि कोई छोटा सा झूठ है जो आपने बोला है अपने पार्टनर से एंड आपको लग रहा है कि ये चीज उनको नहीं पता लगेगी। एंड आई थिंक आपने ये झूठ इसलिए बोला है बिकॉज कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर हैं किसी चीज को लेकर, एंड अगर आप सही चीज बोल दोगे उनको, सच बोल दोगे, तो मे बी आपको लगता है कि वो आपको ग्रांटेड लेने लग जाए या वो आपका मजाक उड़ाएं या वो आपको सीरियसली ना लें। तो आपने किसी सिचुएशन को, किसी फैक्ट को, किसी भी स्टोरी को कुछ तो मोल्ड करा है, ट्विस्ट करा है एंड कुछ एक इल्यूजन सा क्रिएट करके रखा है उनके सामने जिसको वो बिलीव कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये सही चीज है या नहीं, आई मीन अगर आप कर रहे हैं तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, दिस इज नॉट राइट, बट कोई तो कुछ किसी तरीके की ट्रिक्स भी प्ले कर रहे हैं आप अपने पार्टनर पे। आई एम नॉट श्योर वॉट, मे बी यू आर जस्ट प्लेइंग हार्ड टू गेट सो दैट आपका पार्टनर खुद ही आपके पास आ जाए एंड आप अपनी इनसिक्योरिटी उनके सामने नहीं रखना चाह रहे हैं, इस वजह से आपने झूठ बोले हैं, समथिंग लाइक दैट। बट आप कंप्लीट सच नहीं बोल रहे अपने पार्टनर के साथ, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपने फ्रेंड्स, अपने पास रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ तो आपने झूठ सच करा है उनसे। आपके पार्ट एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एरीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एरीज 29 जुलाई वाले वीक के लिए। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एरीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स एरीज 29 जुलाई वाले वीक के लिए। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। आप जो भी इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं उनके सामने, जो भी झूठ सच कर रहे हैं, जो भी आपने स्टोरी बुनी हुई है उनके सामने, एंड प्लस
लेथार्जी, यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन टूवर्ड्स यू नो लाइक मे बी आपने कोई प्रॉमिस करा था कि मैं इस बार ये चीज करूंगा या करूंगी, एंड आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप फिर वापस उसी जोन में आ गए हो, फिर वापस झूठ सच कर रहे हो, एंड आपके पार्टनर को क्लैरिटी आ रही है, आपके पार्टनर को वो सच पता लग रहा है, वो सच पता लग रहा है, ट्रूथ रिवील हो रहा है, सीक्रेट रिवील हो रहा है, उनको वो चीज पता लग जाएगी. सो इट्स बेटर कि आप खुद ही बता दो, बिकॉज वो चीज उनको पता लगेगी एंड उनको क्लैरिटी मिलेगी कि यू आर द राइट पर्सन फॉर देम और नॉट. आई थिंक वो बहुत रिग्रेट करेंगे, वो बहुत रिग्रेट करेंगे. उनका उनकी जो एनर्जी है टुवर्ड्स यू वो थोड़ी रिग्रेट की है, थोड़ी पछतावा गिल्ट की है. वो गिल्ट और रिग्रेट इस चीज को लेकर भी हो सकता है कि मैं इस इंसान के साथ क्यों हूं, या मैंने इस पे क्यों बिलीव करा, या मे बी वो आप पे किसी चीज का ब्लेम लगाएं, एंड जब उनको सच्चाई पता लगे दे माइट रियलाइज के ओ यू नो लाइक मैं कुछ ज्यादा ही हार्श हो गया या हो गई, एंड इसके पीछे एक्चुअल रीजन तो ये था, यू नो लाइक गुड इंटेंशंस थी या एवरीथिंग. तो आई थिंक शायद उस वजह से गिल्ट हो, या फिर आपको चांस क्यों दिया, या आपके साथ वो क्यों है, वो रिग्रेट हो सकता है. बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है उनको क्लैरिटी आ रही है, उनको सच पता लग रहा है, एंड उसके बाद वो गिल्ट में है, रिग्रेट में है, सैडनेस है, रोना धोना है कि मैंने जो भी किया वो क्यों किया. चांस देना या यू नो लाइक किसी चीज पे बिलीव करना, बट डेफिनेटली सच पता लग रहा है उनको, सीक्रेट रिवील हो रहा है. एरीज, सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. 29 जुलाई वाले वीक के लिए सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं, 29 जुलाई वाले वीक के लिए सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं 29 जुलाई वाले वीक के लिए सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके एरीज, आप में से जो लोग सिंगल हैं, लाइक कंप्लीटली सिंगल, कोई भी नहीं है सोचने के लिए, बोलने के लिए, लाइक यू नो लाइक दिमाग में भी अगर रोमांस का नाम मैं लूं तो भी कोई नहीं आता, उतने सिंगल. आई थिंक आपके लिए चीजें ना वर्कआउट होने वाली हैं, नॉट जस्ट लाइक रोमांटिक एंगल से, रोमांस में नहीं, बट अदरवाइज यूजुअल लाइफ में भी आपके लिए चीजें वर्कआउट होने वाली हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द मैजिशियन है, एरीज लियो सैजिटेरियस आपकी एनर्जी है, एंड हमारे पास जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है. कोई काम अगर नहीं बन रहा था तो वो ठीक हो जाएगा, लाइक एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है. मे बी आप कंपेनियन ढूंढ रहे थे, दोनों तरीके से हो सकता है. आप कंपेनियन ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, ब्रेक थ्रू मिल गया, चीजें आसान बन गई, कंपेनियन मिल रहा है, बातचीत ठीक से हो रही है. आप अगर बातचीत नहीं कर पाते थे, आपको समझ नहीं आता था कि कैसे ढूंढूं, कैसे इनिशिएट करूं, तो वो चीजें आसान बन रही हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका लक, डेस्टिनी, जो भी बोल रहे आप उसको, फॉर्च्यून, वो आपके फेवर में हो रहा है बेसिकली 29 जुलाई वाले वीक में, एंड थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू. इट कुड बी लाइक प्रोफेशनली, मॉनिटरली, और मे बी इन पर्सनल रिलेशनशिप्स या रोमांटिक रिलेशनशिप्स, बट थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू. आपके फेवर में चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी. जरूरी नहीं है, दोबारा बोलती हूँ, जरूरी नहीं है कि रोमांस में हो, बट मुझे ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिख रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि 29th वाले वीक में ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऐसे टॉप पे होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वॉट इज हैपनिंग कि आप ना जो आपके स्किल्स हैं वो और उभर के बाहर आ रहे हैं, आप उनको यूटिलाइज कर रहे हो अपने स्किल्स को. इनफैक्ट आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को यूटिलाइज करके अपना काम निकलवा रहे हो, जुगाड़ से या जैसे भी, बट वो रिसोर्सफुलनेस जो है ना वो आपकी बहुत यू नो लाइक प्रोमिनेंट होके दिख रही है मुझे, कि आप रिसोर्सफुल हो रहे हैं एंड आप यूटिलाइज कर रहे हैं अलग अलग लोगों के स्किल एंड खुद के भी स्किल. ओके अब हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जोडियक साइंस जो हैं हमारे 12 जोडियक साइंस, उनकी क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एरीज. बट उससे पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको रेकी हीलिंग करवानी है, डिस्टेंस हीलिंग करवानी है, क्रिस्टल हीलिंग करवानी है, लेट्स से अगर आपको कोई फिजिकल एलिमेंट है, PCOD, थायरॉयड, माइग्रेन, एक्ने, इनडाइजेशन,
कोई आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपको लेट्स से कॉन्फिडेंस नहीं है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, या मेंटल क्लैरिटी नहीं है, तो अगेन आप मुझसे रेकी सेशंस ले सकते हैं, क्रिस्टल हीलिंग करवा सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स होते हैं। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करनी है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है, या यू नो लाइक नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव ऑरा आपको इफेक्ट बहुत जल्दी करता है, आपका थॉट, आपका माइंड, जो आपके खुद के थॉट्स होते हैं वो पोल्यूट हो जाते हैं बहुत जल्दी, आपका मूड चिड़चिड़ा रहता है नेगेटिव एनर्जीज के आसपास, तो हम आपके ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग, ऑरा स्कैनिंग, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट अगेन इन सारी चीजों के लिए ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव हो, आप बिलीव करते हो इन सब चीजों पे, डेस्परेशन नहीं है आप में, एंड आप पेशेंस रख सकते हैं। अगर ये चार चीजें आप कर सकते हैं, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर द हीलिंग प्रैक्टिसेस, अदरवाइज हीलिंग प्रैक्टिसेस आर नॉट फॉर यू, अगर ये चार चीजें आप में नहीं है तो। एरीज, एरीज की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स एरीज, एरीज एंड एरीज, आई थिंक अगर आप किसी और एरीज के साथ डील कर रहे हैं, आई गेस आप दोनों एक दूसरे की जो यूनिक नेचर है ना, लाइक आप में भी कुछ तो थोड़ा सा वियर्ड नेचर हो सकता है, यूनिक हो सकता है, आपके पार्टनर भी थोड़े से वियर्ड एंड यूनिक हो सकते हैं, बट आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड आप दोनों एक दूसरे का वो जो एक अटपटा सा चीज है जो कि आपको सबसे अलग बनाती है, वो पर्सनालिटी का ट्रेट, उस चीज को आप एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की उस चीज को आप एंजॉय करते हैं, एंड आपने एक्सेप्ट कर लिया है, लाइक यू आर नॉट अशेम्ड ऑफ योर पार्टनर एंड हिज वियर्ड पर्सनालिटी ट्रेट्स, लाइक यू हैव एक्सेप्टेड देम। टॉरस की क्या एनर्जीज, इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स एरीज, सिंपल रखिए, टॉरस को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पसंद आएंगी, थोड़ा हॉचपॉच मत करिए, कॉम्प्लेक्स मत करिए ज्यादा चीजों को, सिंपल रखिए, ठीक है। जेमिनाई की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स एरीज, ऑल देयर इज टू लव हैज बीन देयर ऑल अलोंग। देखिए जेमिनाई जो है वो कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है, हमेशा से थे, एंड आपने मे बी यू वर इंक्लाइन टुवर्ड समवन एल्स, यू वर हैंगिंग आउट विद समवन एल्स, यू वर इन अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स, आई एम नॉट श्योर, मे बी यू स्टिल आर, आई डोंट नो, बट आई थिंक जो आपका एक जिस तरीके का लव एंड कंपेनियनशिप एंड रिलेशनशिप आप ढूंढ रहे हैं, द काइंड ऑफ लव यू वॉन्ट, वो आपके आसपास ही था हमेशा से। जेमिनाय दोस्त हो सकता है, शायद इस वजह से आपने देखा नहीं। कैंसर की क्या एनर्जीज, इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स एरीज, कैंसर एंड एरीज आपका जो रिलेशनशिप है ना, इट इज गोइंग टू बी ग्रेट, ओके, बट हैविंग सेड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इम्प्लीमेंट ऑल द थिंग्स दैट यू हैव लर्न इन योर पास्ट रिलेशनशिप्स। लाइक अगर आपने कोई भी चीजें सीखी हैं, कोई भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप्स में जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट से आप गो थ्रू करे हैं, आई गेस वो सब रिहर्सल हो रहा था, प्रैक्टिस हो रहा था, ताकि आप इस रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ ना करो, रिहर्सल था ताकि फाइनल एक्ट में कुछ गड़बड़ ना हो, तो आई थिंक आपको उस चीज को, वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इम्प्लीमेंट करके अपने इस रिलेशनशिप को ग्रेट बनाना है, सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। लियो की क्या एनर्जीज, इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स एरीज, फॉरगिवनेस, लियो फॉरगिवनेस मांग सकते हैं आपसे, सॉरी बोल सकते हैं कि मुझे माफ कर दो, कोई कॉल, मैसेज, कुछ भी आ सकता है, ईमेल आ सकता है, एंड दे विल बी लाइक के प्लीज फॉरगिव मी एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एटसेट्रा एटसेट्रा, नाउ इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप फॉरगिव कर सकते हैं उनको, वापस अपनी लाइफ में ले सकते हैं, आप फॉरगिव कर सकते हैं उनको, बोल सकते हैं फॉरगिवनेस ठीक है, बट वापस लाइफ में आना नो, नॉट श्योरली, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मच यू वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन। वर्गो की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स एरीज, यू नीड नॉट वरी, वर्गो देखिए हो सकता, सॉरी एरीज देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो एंड आपके बीच में कुछ थोड़ा सा टेंस माहौल चल रहा है, थोड़ा सा रिलेशनशिप, थोड़ा सा स्ट्रेन रिलेशनशिप चल रहा है अभी इस टाइम पे, एंड आई थिंक यहाँ पे यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज थिंग्स विल वर्क आउट, अगर ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ब्रेकअप, पैचअप, लड़ाई झगड़ा कुछ हो रहा है, थिंग्स विल वर्क आउट इन द एंड, बट हैविंग सेड दैट
थोड़ा सा आपको यूनिवर्स पे भी बिलीव करना पड़ेगा कि अगर लेट्स से वर्गो के साथ आपका ब्रेकअप पैचअप चल रहा है एंड वर्गो वापस नहीं आता है, तो भी यू हैव टू बिलीव इन दिस थिंग कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है. मे बी समवन बेटर, यू नो, लाइक यूनिवर्स के प्लान में मे बी देर इज समवन बेटर फॉर मी. ठीक है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वर्गो के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी अपने टाइम के साथ, और अगर नहीं होंगी तो वो यूनिवर्स का प्लान होगा. लीब्रा की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स एरीज? यू विल बी सरप्राइज. कोई सरप्राइज दे सकते हैं लीब्रा. मे बी कहीं से ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, एक्टिविटी, इवेंट, कुछ आपका बर्थडे या कुछ ऐसे पार्टी सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, बट डेफिनेटली सरप्राइज हो सकते हैं आप. स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज, इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स एरीज? आई थिंक स्कॉर्पियो वॉन्ट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप, दे वॉन्ट टू फाइंड लव, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एफर्ट्स, दे आर नॉट लाइक इनिशिएटिंग. ठीक है, टर्न ऑन योर लव लाइट. सो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी एक जगह पे बैठे हुए हैं एंड दे आर लाइक कि हाँ कोई ना कोई तो आ जाएगा अपने आप दरवाजा खटकाते हुए. दे नीड टू टर्न ऑन देयर लव लाइट. उनको ढूंढने की जरूरत है, सर्च करने की जरूरत है, हाथ पैर मारने की जरूरत है, यू नो, लाइक आगे बढ़ के कहीं किसी एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है. तो स्कॉर्पियो तो अभी अपने कंफर्ट जोन में है. आई एम नॉट श्योर वो आपकी तरफ आएंगे तो कब आएंगे, कैसे आएंगे, बिकॉज दे नीड टू टर्न ऑन द लव लाइट. सैजिटेरियस की क्या एनर्जीज, इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स एरीज? सैजिटेरियस आपको आई थिंक दे विल बी, शायद आपकी आपकी अटेंशन उनको चाहिए, एंड जस्ट टू गेट योर अटेंशन दे माइट डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. और मे बी आपका एंड उनका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, मोनोटोनस हो रहा है. सो अगेन दे माइट डू समथिंग समथिंग डिफरेंट जस्ट टू बिल्ड अप दैट स्पाइस अगेन, स्पार्क अगेन मे बी. बट कुछ तो नया कर रहे हैं ये, नए तरीके से चीजें करना चाह रहे हैं पुराने तरीके को छोड़कर. कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स, इंटेंशन टुवर्ड्स एरीज? यू हैव व्हाट इट टेक्स. सी कैप्रिकॉर्न फील्स के आप एक यू नो, लाइक आप एक परफेक्ट कंपेनियन हो एंड यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, टू बिल्ड अ कनेक्शन. आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज, वो सारी खूबियां ऑलरेडी हैं जिससे एक रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाया जा सकता है, एंड इफ नॉट परफेक्ट, एक रिलेशनशिप ग्रो करा जा सकता है, लाइक ग्रो, लाइक पनपना, बढ़ाना. ठीक है, तो वो कैप्रिकॉर्न को लगता है. एक्वेरियस की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स एरीज? एक्वेरियस जो है ना, दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव. दे वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. दे लव यू, दे लाइक यू, बट समवेयर दे फील दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू मूव ऑन, एंड आप अभी तक अपने पुराने प्यार में, पुराने रिलेशनशिप में फंसे हुए हो. सो वॉट यू नीड टू डू हियर इज, कैप्रिकॉर्न यू हैव, सॉरी एरीज, यू हैव टू क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव. अभी आपका क्या हो रहा है कि मे बी आपने कोई पुरानी चीजें संभाल के रखी हुई हैं, कोई कोई कुछ टेक्स्ट हो गए, कपड़े हो गए, गिफ्ट्स हो गए, फोटोग्राफ्स हो गई, सबको बाहर फेंक दीजिए. गेट रिड ऑफ ऑल द थिंग्स जो कि आपको अपने पास से जोड़े रखती हैं, एंड क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट, बट देन उनको जगह नहीं मिल रही है. सो पाइसिस की क्या एनर्जीज, इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स एरीज? डोंट बी मिसलेड. पाइसिस आपको मिसलीड कर सकते हैं. मे बी आपको बोले दैट यस आई लव यू, बट वो सच ना हो. मे बी आपको बोले कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगी, बट वो सच ना हो. बट जो भी वो आपको बोल रहे हैं वो मिसलीड करने के लिए बोल रहे हैं, तो उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है. कई बार इंसान उनकी दूसरे की बातों में आ जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. बट यस, मोर लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. एरीज, अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.